दफा मामा को देखना। अब्दुल वाओ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड प्लस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो शाम का टाइम है और मेरे शहजादे का टैलेंट तो आपने चेक कर लिया है ना। बहुत जल्द अब हमने आतफ असलम से क्लासें लेनी है फ्रेंड्स। खैर ये तो एक मजाक था। और वो मेरे पास बैठा पियानो बजा रहा था और मैं जो है उसके लिए फ्लैश कार्ड बना रही हूँ। पहले तो फ्लैश कार्ड हम बाय कर लेते थे भाई, हमें जो चीज़ चाहिए होती थी हम ले लेते थे, लेकिन आजकल ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा है कि मैं गूगल से प्रिंट लेकर तो उनको जो है ना घर में कोई जुगाड़ लगा के इसके कार्ड्स बनाती हूँ जो भी चीज़। लेकिन मुझे ये जो मेथड है ना, आप यकीन करें, ज़्यादा इजी लगा, क्योंकि जब हम बाय करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है। तो अब मैं इंशाल्लाह यही क्या करूँगी, मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसका प्रिंट लेके तो उसको जो है ना घर में ही उसके फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह, अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप भी ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और अगर बच्चा ज़ाया कर देता है, ख़राब कर देता है, फाड़ देता है तो इसका अफसोस नहीं होता। जबकि हम जो हम बाय करते हैं तो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो जब बच्चे ख़राब करते हैं तो बहुत दुख होता है। तो खैर मैंने यहाँ पर सारे प्रिंट्स ले लिए हैं और मैं अभी आजकल जो है उसको वो बॉडी पार्ट्स करवा रही हूँ, तो मैंने उसके प्रिंट्स वगैरह ले लिए हैं और अभी मैं इनको जो है ना अपने स्ट्रेटनर से इसको सील करूँगी और इसके जो है मैं फ्लैश कार्ड बनाऊंगी। और ये एक बहुत मज़े की चीज़ मुझे लगी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो हैं अक्सर पूछते हैं कि आप क्या कर रही हैं, क्या करवा रही हैं अब्दुल हादी को, तो मैं उसके लिए जो है ना फ़िलहाल ये कर रही हूँ। खैर और आजकल जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको अगर मेरे पीछे से जो है शोर आ रहा है मोटरसाइकिलों का, गाड़ियों का, तो उसको थोड़ी देर बर्दाश्त करें, क्योंकि इतना ज़्यादा हफ्स है, मेरी जान निकल रही थी तो मैंने थोड़ी देर विंडो खोल ली है और बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। अजीब सी बात है, आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है, अगर फ़ैन बंद करो तो गर्मी लगती है और विंडो खोलो तो बाहर से शोर आता है, तो समझ नहीं आती कैसे वॉइस ओवर करना है। खैर ये तो है, हमारे फ्लैश कार्ड बन रहे हैं और जल्दी जल्दी ये काम करके, इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है लेकिन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छा लगा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ऐसे ही बनाएंगे हम जितने भी हमें चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो अभी हम चलते हैं बाहर और मैं आ गई हूँ बाहर, टेलर को कपड़े देकर आई हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी और हफ्स हो रही है, कपड़े मैंने स्टिचिंग के लिए दे दिए हैं, बस दुआ करें जल्दी जल्दी जो है ना वो हमारे कपड़े ईद तक हमें दे दे। खैर उसने कहा तो है कि वो दे देगा, अभी देखते हैं, जब आएंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है अभी हम चलते हैं घर प्यारे दोस्तों। और अभी है आज थर्सडे की शाम है और आज आप देख रहे हैं किचन में कितना ज़्यादा मैस हुआ हुआ, बहुत सारा सामान इधर रखा हुआ, इधर 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 ये देखें ढेर सारा काम पड़ा हुआ है और मेरा दिल नहीं चाह रहा था लेकिन फिर भी करना है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, बहुत सारे मैंगो आए थे, आधे मैंने वॉश किए, आधे वॉश करके रखे हैं, वो खाने के लिए रखे हैं और इन सब का जो है ना मैं बना लूँगी पेस्ट, क्योंकि ये बच्चों के मिल्क शेक के लिए, इनका पेस्ट बना के फ्रीज़ कर लेंगे और मिल्क शेक में यूज़ होगा, क्योंकि ये काफ़ी सारे पके हुए हैं तो जल्दी ख़राब हो जाएंगे अगर मैं नहीं बनाऊँगी तो। ग्रीन चिलीज़, कुछ वेजिटेबल्स आई हैं ईद के लिए, ग्रीन चिली है, फ्रीज़ करूँगी ये इसको। और ये जामुन है, ये तो एक दिन में ही ख़त्म हो जाएंगे। ये पीच है, आलू बुखारा है, ये वॉश करके रखा है, इसको अरेंज करना है। लेमन है, इसका जो है मैं बनाऊंगी आई वो लेमन का, इसको स्क्वीज़ करूंगी और इसमें से सारा जूस निकालूंगी और इसके क्यूब्स बनाऊंगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनेगा। दोपहर में मैंने पुलाव बनाया था और यहाँ पर ढेर सारे बर्तन हैं वो धुलेंगे। और आज बनेगी चिकन की कढ़ाई, जल्दी बन जाएगी, मैंगो वॉश करूँगी। तो ये देखिए बहुत सारा काम है ना करने वाला, और ये डिब्बे सारे जो दूध वाले खाली हुए थे मैं इनको वॉश किया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इनका भी कुछ बनाऊँ ना। एलोवेरा का बहुत सारा प्लांट जो है वो काफ़ी सारा ग्रो कर रहा है, मैं सोच रही हूँ इसमें लगाऊँ। कमेंट को करके मुझे बताइएगा कि इसमें वो जो है वो ग्रो करेगा, कहीं ख़राब तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो वो होता है ना टिन टिन होता है ये, तो पता नहीं इसमें ग्रो करता है या नहीं, क्योंकि वो मेरे पास और प्लांटर नहीं है, मैंने सोचा था कि वॉश करके ना इनमें लगा लूँगी। चले देखते हैं अभी क्या करना है, जल्दी जल्दी मैं कर लूँ क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है, अभी मुझे खाना भी बनाना है, मेरे बहुत सारे काम हैं। चले जल्दी से मैं कर लूँ, ठीक है फिर आपसे मिलती हूँ। मैं मज़ेदार
बट की कढ़ाई की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ। बाय द वे बट की कढ़ाई नहीं है, मेरी कढ़ाई है, तो बहुत ही आसान बनाई है मैंने। और तकरीबन 3 पाव के करीब मेरे पास चिकन थी और मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, ऑयल डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसमें चिकन डाला है और उसको थोड़ा सा भूना है। उसके साथ ही मैंने उसमें 6 टमाटर मीडियम साइज़ के काट के डाल दिए हैं और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, एज इट इज़ डाल दी हैं। काटने की ज़रूरत हो तो काट लें, अदरवाइज एज इट इज़ ही उसमें जो साबुत ही डाल दें यानी कि, और बस उसको अच्छा सा भूनना है। स्पाइसेस में क्या है, नमक, सुरख मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जो है कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला एंड में डालेंगे। और बस सिंपल सी हमारी मज़ेदार सी टेस्टी सी कढ़ाई तैयार है। और बस अभी साथ में रोटी बनाते हैं और मज़ेदार बिल्कुल है तैयार। और बाहर मौसम जो है वो बेहतरीन हसीन हो गया, बहुत अच्छी ठंडी हवा चलने लग पड़ी है, उम्मीद है कि बारिश भी आएगी। तो ऐसे मौसम में कढ़ाई खाने का तो अपना ही मज़ा है ना, साथ में हो जाएगा पुलाव। ठीक है, अभी बनाती हूँ 1-2 कबाब और रोटी, मेरी ये लास्ट रोटी है। मैं इतना अच्छा मौसम देख के मेरा दिल चाह रहा था थोड़ी सी चपड़ चपड़ कर लूँ, बातें करने का मेरा बहुत मूड हो रहा था, तो साथ में जो है मेरी रोटी भी बन रही है। जनाब मौसम बहुत अच्छा है, रोटी खाऊंगी, रोटी खा के तो फिर बाहर तो ज़रूर घूमने जाऊंगी ना। ये आपने खानी है ग्रीन चिली, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं रोटियां। और बहुत मज़ा आता है जब हम लाहौर की किसी फूड स्ट्रीट पर अच्छे मौसम में बैठ के कढ़ाई खाते हैं ना, बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल ऐसा फील होगा। बहुत मज़े की कढ़ाई बनाई है मैंने। चलो जी मेरी रोटी जल जाएगी वैसे कारनामों में, तो मैं जल्दी से अपनी रोटी उतारूँ फिर आपसे बात करती हूँ। हाँ जी, तो खाना शाना खा के किचन साफ़ करके मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था। घर में जो है वो हम टिक नहीं सकते, ना मैं ना मेरा बच्चा, हम दोनों माँ बेटा जो है बारिश एंजॉय करने पहुँच गए हैं। और आपको करेंगे अल्लाह हाफिज़, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।